भाई चलिए चलिए चल चल तन्मय जल्दी बाइक स्टार्ट करो जल्दी आओ पागल हो गए क्या अदर बाइक ऑन करेंगे तो कृष्णा भाई को अंदर सुनाई दे जाएगा पीछा कर लेंगे हमारा बेहतर ये होगा पैदल निकल लेते हैं यहाँ से चलिए चलो उधर से नहीं इधर इधर चलिए ए आदर्श कृष्णा अबे क्या चुपा है सारे नाम बाहर निकल बेटा कृष्णा ए आदर्श कृष्णा ए क्या चुपा है कृष्णा क्या चुपा है बेटा बेटा हमारी बात सुनो अरे साला छोड़ेंगे ना उका छोड़ेंगे ए बाहर निकल साला कृष्णा क्या चुपा है उका कृष्णा क्या चुपा है मेरी बहन के सात जानवर जैसे कृष्णा कृष्णा हम तुम्हें सब बताते हैं कृष्णा आदर्श कहाँ छुपा के रखा होगा बता दो हम बता रहे हैं कृष्णा बेटा बेटा आदर्श यहाँ पर नहीं है नहीं है तो कहाँ गवा भगोड़ा कहाँ गवा कृष्णा श्यामू को छोड़ दो अरे हमें सच में नहीं पता कि आदर्श कहाँ है जीजू प्लीज जीजू सबके सब झूठ बोल रहे सब झूठ बोल रहे उसका छुपा रहे सला छोड़ेंगे ना उसका बहुत दर्द हुई रहेगा ना कोमल दीदी इतनी बेरहमी से मारी ना आदर्श बाबू कोमल दीदी का देखो तो पांचों उंगली छप गई हैं आपका ना ये बात का कोई दुख नहीं है कि क्या आदर्श आपका मारा है आपका तो बस ये बात का दुख है कि आपका मार के घर के बाहर धकेल दिया ठीक है कहा तो कोमल दी बताओ भला कौनो औरत का अरे ई मार से ज्यादा तो बड़ी मार का हुई है कि औरत का घर से बाहर निकाल दे बेबी अस्या ये सब का कह रही है कहे बिना मतलब की बात करके कोमल दीदी को दुख दे रही है वारी सकती वो अरे हम का दुखी करब इनका अरे जी का जौन करे रहे वो तो कह दिस है बताओ भला कौनो जानवर की तरह इस तरह से इतनी बुरी तरह से अपनी बीवी का पीटत है हम तो बस यही कह रहे हैं कि आदर्श जी का ना ऐसे ना मारे चाहिए कोमल दीदी का अरे घर में बड़ी लाड़ प्यार से पली हैं हाँ और हम ना एक पैर पे खड़ी रही तरह इनके लिए हमेशा हमारे बात चैन दो ये घर में ना कौनो एक उंगली तक नहीं छुई से सलाह आदर्श वक्त कुछ न कुछ करना पड़ेगा आदर्श भैया आपको भाभी को नहीं मारना चाहिए था क्यों किया आपने ऐसा वो क्या बात थी जिसकी वजह से आप इतने बेरहम हो गए कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया आशीर्वाद दो बाबा आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु कामयाब कब होगी वंदु जब हर कोई कमाकर जार पैसे देता है ना तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना तो आप कब की सिंगर बन गई होती तू 35 की हो गई है या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले वही हम सबके लिए बेहतर होगा पापा सुना ना आपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो झूम उठा मोरा दिल बकवास इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती बातें कुछ अनकही सी इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर का सराप लगवा साला घर की दुर्दशा हो रही है देखियो हालत देखो कोमलिया के कितनी बुरी तरह से पीटी से आदर सही घटिया हरकत कैसे कर सकत है घंटी लाल वो न किसी घटिया हरकत करवाए हैं हम ठाकुर सज्जन सिंह और हमारा परिवार जरूरत से ज्यादा होकर इज्जत मान सम्मान प्यार मोहब्बत दिए वाले को तू अपने आप को सबसे ऊपर नहीं बल्कि शहर ऊपर समझे लगा वही जगह साले को अगर एहसान जताते जताते अपने यही पैर के अंगूठा के नीचे से दबाए के रखते ना तब वो साले को की
औकात पता लगती घंटी ला, तब पता लगता। लेकिन नहीं, अब हम अपनी गलती सुधारेंगे, अपनी गलती। बस साला एक बार हमारे ऐसे काबू में आ जाए, ऐसी तड़ैया करेंगे, ऐसा दौड़ाए दौड़ाए के मारेंगे ना उनका, इस साला अपनी औकात भूल जाएगा। औकात घंटीलाल। सज्जन तुम शांत रहो, शांत हो के बैठो। अरे गुस्से में तुम अपने का काय जला रहे हो, शांति से बैठ के इस सब के फैसला करो, समझे हो? गुस्से में आपन जीना जलाओ। तुमका ना घंटीलाल, हमार गुस्सा ना दिखाई दे रहा है। देखो हम हमरे हमरे अंदर जौन है, कोई बखत चल रहा है, ऊपर जाओ। हम खुद को नहीं जलाना चाहते, लेकिन का करें, सली आग हमरे अंदर ही अंदर लगी हुई है, हमरे हमरे कलेजा को ऐसे ऐसे से फूंक रही है बिटिया की दुर्दशा देख के। साला जब तक ही साले आदर्शवा को पकड़ के कुत्ते जैसा तोड़ैया नहीं करेंगे ना, तब तक ये आग हमारी इसे सुलगती रहेगी। दबाए के साले को इसी हिक भर के सजा देंगे, तब हमारा गुस्सा शांत होगा ना, इसे हमारा गुस्सा इसे बर्फ की तरह जमा रहेगा। बस घंटीलाल, हम बबुआ के फोन का साला इंतजार कर रहे हैं। बबुआ, अरे बबुआ कहाँ रे, जल्दी पहुंच। सज्जन नहीं कुछ नहीं घंटीलाल, प्रतिज्ञा हमका तो बहुत है डर लग रहा है, कुछ करो बेटा, हमार तो कलेजा ऐंठा जा रहा सोच सोच के। दादी कृष्णा हमारा फोन नहीं उठा रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कुछ तो करना पड़ी प्रतिज्ञा, देखो सज्जन शक्ति बाबा सब गुस्सा में है, आदर्श का ऐसा नहीं करना चाहिए रहा। सज्जन कोमलिया की आंख में जरा सभी आंसू नहीं देख सकता है, और अगर वो आदर्श का सबक सिखाए के लिए कुछ गुस्से में कर बैठा तो का होई? बाबा कट्टा लेके तुमने घर गवा, कुछ करो प्रतिज्ञा, नहीं तो विनाश हो जाई, कोनो अनहोनी ना हो जाए। ए लिए ना तुम बेटा अपने घर जाओ, जल्दी जाओ। हाँ दादी, हम अभी जाते हैं, आप बस कोमल भाभी का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, हम कोमलिया के ख्याल रखा था।